बिग बॉस के बाद अच्छी जा रही है ज़िंदगी, थोड़ा नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं बट पॉजिटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव नहीं है। एंड प्लस अभी एक स्पेशल अपीयरेंस किया है इसमें मरजावा में, सो उसके लिए एक्साइटेड हूँ। अदरवाइज इट्स बीन ग्रेट, आई एम वेटिंग फॉर समथिंग गुड टू कम अप, उसके बाद ही आई टेक इट अप एंड होपफुली यू विल सी मी सून। वेब सीरीज जो मिल रही है, आई मीन तो अभी जो कुछ जो जैसे मैंने पहले भी कहा कुछ अच्छा आएगा देन आई टेक इट अप। आई मीन रैंडमली कुछ भी करने से अच्छा है यू बेटर वेट फॉर द नाइस प्रोजेक्ट। सो एक मेरी वेब सीरीज ऑलरेडी आ रही है अवरोध, जो मैंने की है, शायद इस साल जल्दी आ जाएगी। एंड इश्वर मरजावा वो एक स्पेशल एजेंट है, स्पेशल एजेंट का कैरेक्टर कर रही हूँ नेहा, एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है। सो आई एम श्योर द ऑडियंस विल लाइक मी इन दैट रोल। सो पहले एपिसोड के लिए है सिर्फ, तो आई बट डेफिनेटली एक बहुत जल्द कोई फुल फ्लेज्ड रोल भी करूँगी। काइंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, देखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ माई शूट एंड एवरीथिंग, बट वेन एवर आई एम गेटिंग टाइम मैं थोड़ा बहुत देख ले रही हूँ। आई थिंक यहाँ तक जो सब पहुँच गए हैं दे ऑल आर विनर्स। आई थिंक यहाँ मतलब इतना लंबा पहुँचना इज़ अ बिग डील। आपने ऑडियंस को मतलब एंटरटेन करके रखा है एंड आपको देखना चाहती है ऑडियंस, और कुछ तो आप अच्छा कर रहे हो तभी यहाँ तक पहुँच गए हो। सो आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम, दे ऑल आर विनर्स। बट डेफिनेटली रश्मि इज़ गेटिंग बेटर और शी इज़ टेकिंग अ स्टैंड। आसिम बीच में थोड़ा डगमगा गए थे, फिर से वो दोबारा से वापस आए हैं। सिद्धार्थ वॉज ऑलवेज गुड एंड शहनाज, सो आई थिंक ये चार, पारस ऑल्सो वेरी गुड। सो आई थिंक ये सारे वे प्लेइंग गुड। ये आई थिंक मेरे हिसाब से सिद्धार्थ, रश्मि, आसिम, शहनाज, ये चारों में से कोई भी हो सकता है टॉप थ्री। सो यू जस्ट डोंट नो, यू नेवर नो। यस एब्सोल्युटली यू विल सी मी इन फिनाले। परफॉर्मेंस का वो भी आपको पता चल जाएगा, आप देख लेना। नहीं, उन्होंने कहा तो था कि वो मुझसे मिलेंगे पर उनका कोई फ़ोन आया नहीं मुझे, सो आई डोंट नो, बट आई एम नॉट इवन एक्सपेक्टिंग ऐसा कुछ। इट्स आई थिंक हमारे लिए वो क्लोजर था एक तरह से, शायद हमें वो क्लोजर मिल गया है और वी मूव्ड ऑन इन आवर लाइव्स। अरे मेरे दोस्तों ने फोटो खिंचवाई है इश्क में मरजावा सेट में, मेरे साथ फोटो खिंचवाई है फ्राइंग पैन के साथ। सो इतना ज़्यादा हिट हो गया है, बट आई एम हैप्पी दैट पीपल आर टेकिंग इट वेरी लाइटली एंड मतलब उसको मजाक में ही ले रहे हैं, ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, एंड किसी किसी को इंस्पायर भी कर गई ये चीज़। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। सो नहीं, डेफिनेटली अलग फ्रस्ट्रेशन भी था एक तरह से, बट वो हीट ऑफ द मोमेंट ज़्यादा था बिकॉज आप पानी भी किसी के मुंह पे फेंकोगे वो भी एक तरह से गलत ही है। अगर आप पीठ पे फेंक रहे हो, इधर फेंक रहे हो, बट मुंह में अगर आप पानी फेंक रहे हो दैट्स समथिंग विच इज़ ब्रूटल। एंड वो चीज़ मेरे को लगी कि बस अभी कोई अपना ही अगर मेरे साथ ऐसा कर रहा है तो मैं दूसरों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। सो दैट इज़ वाई इट वॉज़ लाइक अब हो गया, अब जो होगा देखा जाएगा एंड आई वेंट फॉर हिटिंग। नहीं नहीं, डेफिनेटली हकीकत में रिश्ते बनते ही हैं, वो सारा रियल है एकदम। एंड मतलब उनकी दोस्ती बहुत स्ट्रांग है, अब वो बाहर चल के आगे चल के वो निभाते हैं नहीं निभाते दैट्स डिफरेंट, बट इट्स वेरी वेरी रियल इनसाइड द हाउस, कुछ भी फेक नहीं है। आई थिंक मैं कहूँगी कि अगर वो शहनाज या आरती में से किसी को सेव करते तो किसी ना किसी को बुरा लगता ही लगता, तो इसीलिए उन्होंने सेफ डिसीजन लेके पारस को सेव कर दिया। और आई थिंक इट्स ये उनका कॉल है शहनाज को, वो अभी तक सेव करते आ ही रहे हैं, ही इज़ बीन सपोर्टिंग शहनाज एंड शहनाज भी सपोर्ट कर रही है उनको। इनफैक्ट शहनाज कभी कभी फ्लिप मार देती है बट ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर शहनाज,
इवन शहनाज इज एक्चुअली देयर फॉर सिद्धार्थ, बोथ ऑफ देम आर देयर फॉर ईच अदर. तो इस बार उनको वो रीपे करना था शायद पारस को, पहले पारस का. तो इट्स हिज कॉल. आई मीन किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए इस बात का, क्योंकि अगर वो आरती को सेव करते फिर शहनाज को बुरा लगता, या शहनाज को करते तो शायद आरती को बुरा लगता. तो इससे अच्छा पारस सेफ खेल लिया उन्होंने, पारस को सेव करके. बहुत रियलिटी शोज हैं क्योंकि, एंड ये शो क्योंकि बिग बॉस एक्सटेंड हो रहा था 1.5 महीना के लिए, सो आई थॉट आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर. और अगर एक्सटेंड नहीं होता तो शायद नहीं करती मैं, पर एक्सटेंड हो रहा था एंड इट वॉज़ डूइंग वेरी वेल. सो इसीलिए मेरे को लगा, और इस वक्त मेरे ऑलरेडी नचबली के फैन फॉलोइंग थी, एट वॉज दिस वॉज द राइट मोमेंट टू टेक वन मोर रियलिटी शो, सो दैट एक रियलिटी कवर कर सकते हैं. सो दैट इज़ व्हाई आई टुक इट अप. It wasn't really hard because I had made a mistake. I mean, there was violence is not allowed inside the house, and I did violence. So, bura laga definitely. कि क्या पता शायद मैं अगर नहीं करती तो टिक जाती थोड़ा सा और फिनाले तक, क्या पता मैं भी फिनाले में होती. But I think I had accepted that शायद मैं निकल ही जाऊँगी, क्योंकि मैंने इतना बड़ा जो चीज़ किया है वो गलत था. Definitely yes, it was a right decision. I had a lot of fun inside the house. मुझे एक exposure मिला, कुछ लोग मुझे अपने को समझने का मौका मिला, and at least हमारे relationship, मेरे और विशाल का relationship इतना ज़्यादा publicly इतना ज़्यादा exploit हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, at least उस चीज़ का closure मिल गया, नहीं तो हम अपने आप को ही नुकसान पहुँचाए जा रहे थे. So definitely अच्छा ही हुआ जो भी हुआ. I think Shehnaz, Rashmi, Siddharth, all of them mostly, they were all very nice people. So. Okay, lastly, kya kehna chahenge fans ko jo hamesha aapko itna pyar dete? Yehi kahungi that thank you so much. Aap sabne itna pyar diya hai. Meri galtiyon se bhi aapne usko ignore kiya, and still you've loved me so much, and you're there with me throughout. You are my strength. Aap log meri himmat ho. So thank you so much once again for loving me so much. Thank you. Thank you.